पिलामने पिलामने आज आम तुम्हें पंचम श्रेणी साहित्य बहर गोटे सुंदर कविता पढ़ा। पिलामने तुम सब मंदिर जाते मंदिर जाओ से सांगर कौन नहीं जाइ भोग नहीं जाइ भोग सहित भी तुम्हें भगवान गोटे थाली कौन नहीं था फूल धूप दीप सिंदूर चंदन ये सब लेकिन जाइ मंदिर को जो जाओ बेले बेले माल भी गुंथिक नहीं जाइ ठाकुर देख एथेर केमती सुंदर मालटी या फुलर या चित्र देख गोटे छोटिया मंदिर टे से कौन सजाई फुलर सजा हो तेणु आम आज कौन पढ़वा तुम साहित्य बहर फुल कविता पढ़वा। से फुल कविता किए लिखिंट जान तार कवि होती पंडित मृत्युंजय रथ। ये देख ये चित्र रे पंडित मृत्युंजय रथ ये फटो चित्र तेणु पाने तुम्हें समस्ते तुम साहित्य बहर एक तीस पृष्ठ खोल मु गीतटी को पढ़वी तुम्हें प्रथम शुणव किंतु ता पूर्वर मु पंडित मृत्युंजय रथंकर परिचय कहीदे तुम्हें सब खातार लिखि नेब। पंडित मृत्युंजय रथ तांकर जन्म केवे होता कह पाने 1882 मसीहा मई मस 14 तारिख रे कौ स्थान तांकर पुरी जिल्लार बलंगा थाना अंतर्गत राडस ग्राम रे से जन्मग्रहण करथिले। से अनेक पुस्तक लिखिंट तेणु तांकर पुस्तक मध्यरु बेणी संहार मुद्रा राक्षस मृच्छकटिक सारला चरित आठ सरल ओडिया अभिधान इत्यादि अनेक पुस्तक से लिखिंट तांकर मृत्यु होता 1924 मसीह तेणु मृत्यु हूँ 1924 मसीहा तेणु तुम्हें समस्ते यहाँ को निज निज खातार लिखि नेब। तेणु तुम्हें तो कवि परिचय जान लगे कविता आवृत्ति करुच्ची तुम्हें समस्ते शुण तापर तुम्हें आउ थे गाइले तुम मैंने मो सहित गायब एवं तुम समस्ते निज निजर बही देख। मोबास गच्छरे लटा बुदारे साग शिवुरे घास हुड़ारे मुथाए पर्वते जलस्थल बने उपबने कूल कंदरे मुथाए कुंजरे मंदिर पासे संज सखाळरे मुफुटी बासे मोरूप सुंदर केड़े निर्मल पतर उपरे दिसे सुढ़ल किजुबा बालक अबास्तबीर मोते देखिलेटी फंती अधीर मोते के गळारे केबा मुंडरे थुवंती नदळी केही पयरे। मोबास चौदिगे जाए चहटी पवन महकी थाए जानटी बणा होई धाई आसे भर आदरती पशु पक्षी सकल मोकांति देखिले जोगी शांति मो देहे देवता से देखु थांती पूजा लगी मुहि जाए विधि केऊ देवतार नबसे सिरे मोह जोगु पट जाए निस्तरी कीट बसे पुणी सिरे सबुरी पुणि थे पे प्रथम पद्धति आउ थे मुझे गायबी तुम्हें मो सहित एवं गायब। मोबास मोबास गच्छरे लटा बुदारे साग शिवुरे घास गुड़े मुथाए पर्वते जलस्थल बने उपबने कूल कंदरे मुथाए कुंजरे मंदिर पासे संज सकाळरे मुकुटी बासे मोरूप सुंदर केड़े निर्मल पतर उपरे दिसे सुढ़ल किजुबा बालक अबास्तबीर मोते देखिलेटी हंती अधीर मोते के गळारे केबा मुंडरे थुवंती नदळी केही पयरे। मोबास चौदिगे जाए चहटी पवन महकी थाए जानटी
बणा होई आसे बर आदरती पशु पक्षी सकल मोकांति देखिले जोगी शांति मो देहे देवता से देखु थांती पूजा लगी मुई जाए विधिरे क्यों देवतार नबसे सिरे मोह जोगुपट जाए निस्तरी कीट बसे पुणी सिरे सबुरी तेणु पे तो आउ थे पढ़ीदेली एवं मु तुमको प्रत्येक पद बुझे मोबास गच्छरे लटा बुदारे साग शिउलीरे घास हुडारे फुलटी कहुची जे तार बासस्थान गच्छरे लटा बुदारे साग शिउलीरे घास हुडा प्रभृति से रही था। तमे माने सब देखी छे पिला माने फूल सब के जगार फुटे से कहुची से गच्छरे फुटी थाए लटा बुदारे भी फुटे साग शिउलीरे कि घास हुडारे भी से फुटी थाए मो बास अर्थ कौन तार बास स्थान से बास कही बासर तीन टा अर्थ पे गोटे हूँ बासस्थान गोटे हूँ बास्ना आ गोटे हूँ निजर वस्त्र किंतु ये बास मान बास स्थान को बुझे तेणु से कह मोर बासस्थाना हूँ गच्छरे लटा बुदारे साग शिउलीरे आ घास हुडा प्रभृति से रही थाए मुठाए पर्वते जलस्थल बने उपबने कूल कंदरे से कौन कह फूल कौट कौट थाए फूल जल स्थल पर्वत बन उपवन नदी कूल वृक्ष राजी और पर्वत गुंफारे से थाए से कौट कौट थाए फूल कौट थाए जल स्थल पर्वत बन उपवन नदीकूल वृक्ष और पर्वत गुंफारे फूल फुटी थाए कंदर अर्थ पिला माने कौन कंदर अर्थ गुंफा मुथाए कुंजरे मंदिर पासे बने उपबने मुथाए कुंजरे मंदिर पासे संज सखाळरे मुफुटी पासे से कौन कहुची फूल कोड़ी था मुथाए कुंजरे मंदिर पासे पिला माने मंदिर पाखरे भी तुम्हें फूल को फुटी थी देखीच तापर से कौन कौच फूल मंदिर पाखे थाए कुंजरे भी थाए कुंज कहले जो लतालिया फूल गच्छ सब अच्छे पे आम गोटे गेट परीक्षा जो सजे गेट परीक्षा गोटे करी लतालिया फूल गच्छ को जो मड़ई दे था सेटा को कौन कहती कुंज ताकू कुंज बोली कही था तेरे से कौच फूल मंदिर पाखे और कुंजरे भी रही थाए संज सकाळ रे मुफुटी बासे एठी बासे अर्थ बासना से केते बेले फुटे फूल संज आउ सकाळ रे फुटी थाए तेणु संज आउ सकाळ रे फूल फुटिक बासना होता है केते बेले केते गुड़ी फूल अच्छी सकाळ फुटी थाए आउ केते गुड़ी कम फूल अच्छी जोटा कि संध्या समय रे फुटी थाए मोरूप सुंदर केते निर्मल पतर उपरे दिशे सुढ़ल से कहे मोरूप सुंदर केते निर्मल पतर उपरे दिशे सुढ़ल तेणु कह मोर रूप फूलटी देखा बहुत सुंदर ना पे मैंने फूल क्या भल न लगे कह समे भल लगे बहुत सुंदर सुंदर कलर फूल थाए तेणु फूल को समस्ते भल पाई से कहे मोरूप सुंदर केते निर्मल पतर उपरे दिशे सुढ़ल फूलर रूपर फूलर रूप बेस सुंदर तथा निर्मल दिशी थाए पत्र उपरे ताहा आहुरी सुंदर दिशे से कहे पत्र उपरे दिशे सुढ़ल पत्र हूँ पे मैंने हूँ पद्य रूप ताकू जदि आम गद्य रूप से लिखा ताले पत्रटा पत्र से कहे पत्र उपरे ताहा आहुरी सुंदर दिशे पत्र उपरे जो फूलटी को आम देखु ताकू बहुत सुंदर देखा जाए किजुबा बालक अबास्तबीर मोते देखिले टी हंती अधीर से कहे किजुबा बालक अबास्तबीर मोते देखिले टी हंती अधीर कहे कि फूल को देखा मात्रे बालक युवक उबुढ़ा मैंने बेस अधीर हो उठती
तेणु से कौच फूल को जेके भी देखते पे मैंने फूल को देखने समस्ते खुशी जाती तेणु से कौच किजुबा बाड़क अबास्तवीर मोते देखिले टी हंती अधीर हंती मान हुंती किजुबा बाड़क से कौच फूल को देखला मतरे बाड़क युवक बुढ़ा मैंने बेस अधीर हो उठती सत्य जपरी फूल से आत्महरा कर दिए फूल को देखिक बहुत खुशी हो जाती मोते के गलारे केबा मुंडरे थुंती नदी के ही पयरे पुणी फूल कौन कहूँ मोते के गलारे केबा मुंडरे तमें माने पिला माने देखी केते लोक निज गलारे भी फूलमाल पकई थांती आउ साधारण तो मंदिर रे भगवान को गलारे तो फूलमाल थाए सेटा तमें देखी तेणु मोते के गलारे केबा मुंडरे आउ स्त्री लोक माने सब मुंडरे फूल सजे थांती तमें समस्त देखी केते जन स्त्री लोक मुंडरे फूल लगे भल पाती तेणु से माने फूल को मुंडरे लगाई थांती निज निज केसरे फूल को लगे था थुंती नदी के ही पयरे पयर अर्थ पे पादरे कही दली दली दिंती ना तेणु फूल को नहीं कहीं बेकरे मुंडेरे रखि था मात्र कही हेले जड़े भी पादरे दली न था फूल कौच मोते के गलारे केबा मुंडरे थुंती नदी के ही पयरे फूल को नहीं कहीं बेकरे मुंडेरे रखि था मात्र केही हेले जने पादले दली नथांती मोबास चौदिगे जाए चहटी पवन महकी थाए जानटी मोबास चौदिगे जाए चहटी फुलर सुबास चारियाडे चहटी जाई थाए तार बासना जानिच फुल जदि दूर रे कोठी गोटे फुल फुटीतिबो गंगशिली हो मल्ली हो हेना हो एमती केते गुडे फुल अछि चंपा हो जो मैंने टिके दूर रे फुले खुशे फुल जदि फुटीतिबो ना तार चौदिग माने चारि दिग तार बासना चहटी जाइथाय तेणु से कहूँ मोबास चौदिगे माने चारि दिगरे जाए चहटी पवन महकी थाए जानटी तेणु फुलर सुबासटा चारियाडे चहटी जाइथाय पवन रे ता महकी उठी समस्त को विभोर करिथाय पवन सहित मिसी तार बासना चतुर्दिग को खेल जाए तेणु पवन जिते महकी उठी समस्त को कौन करता है विभोर करिथाय बणा होई धाई आसे भर आदरती पशु पक्षी सकल से कहते बणा होई धाई आसे भर आदरती पशु पक्षी सकल तेणु फुलर से बासना पाई भर माने पगल परी होई ता पाखक धाई आस मैंने देखीछ पे के फूल उपर भर बसी थार तेणु से कौन कह फुलर से बासना पाई भर माने ता बसी था पशु पक्षी माने आदर करी आदरती पशु पक्षी सकल तेणु फूल उपर भर बस थी तुम देखीच ता बासना पाई भर उड़ी उड़ी आसिक बसी थाए आ पशुपक्षी मैंने ताकु आदर करी थांती तमे नेक्स्ट पद को जीवा मोकांती देखिले जोगिक जोगिंक शांति मो देहे देवता से देखु थांती से कौन कहूँ मोकांती देखिले जोगिंक शांति मो देहे देवता से देखु थांती फुलर सौंदर्य को देखिले जोगी ऋषि माने भी आत्मशांति लाभ करी थांती फुलर जो कांति अर्थात सौंदर्य ताकु देखिले जोगी शांति मो देहे देवता से देखु था कहते फुलर सौंदर्य को देखिले जोगी ऋषि मैंने आत्मशांति लाभ करी था फुलर देहरे से मैंने देवता उपस्थित को अनुभव करी था से मैंने फुलर देहरे कौन कर फुलर देहरे से मैंने देवता उपस्थित को अनुभव करती से भावती फुल भितर जपरी भगवान लुचि रही तेणु मो देहे देवता से देखु था पूजा लागी मुही जाए विधि रे केऊ देवतार नबसे सिरे कोचि कि पूजा लागी मुही जाए विधि रे देवतांक पूजा पाई नीति नियम रे फूल को निया जाय थाए एमिति कोनोसी देवता नाती केऊ देवतार नबसे सिरे एमिति कोनोसी देवता नाती जहांक मथरे फूल बसी नथाय कहले देखि पिला माने कहि परबे कि एमिति ओ देवता अछन्ति जोटा कि फूल तांका मथारे नथाय समस्त आमे जानिचे आमे फूल को सब देवतांका देवादेवी मथारे नहीं
चढ़ई था तेणु पूजा लगी जो आम पूजा लगी फूल तोली था से कहे आम नीति नियम फूल को नि जाए है देवता पूजापाई नीति नियम फूल को नि जाए एमती कौन सी देवता नहांती जहाँ मथार फूल बसी न थाए के देवतार न बसे शिरे शिर मानने मुंड है कौन सी देवता नहांती जहाँ मथा मथार फूल बसी न थाए मोह जगुपट जाए निस्तरी कीट बसे पुणी सिरे सपुरी से कहे फुलपाई पटुका उधार पाई थाए पटुका पिला मैंने जाच जो कदमी गचर गोटे पटुका थाए से सूता परीक्षा गोटे गोटे बाहरी थाए मु तुम्हें गोटे चित्र रखी से चित्र केमी कदमी पटुकार से फुलमाटी गुंथाई ये देख पाने कदमी पटुकार फुलमाटी गुंथा हो जो देखु जो सूताटा से सूता नुहे पाने यहाँ कदमी गचर गोटे पटता चिरीकी सरु सूता बागि से कदमी पटे फुलटा सब छंदी छंदी गुंथा जाए ये फुलमाटा जाए कि काटी लगे भगवान को मुंडे रे लगी था यहाँ सूतार गुंथा है यहाँ कदमी पटुकार गुंथा है तेणु से कौन कौच मोह जो पट जाए निस्तरी पट मान यू सरु सूताटी देखु यहाँ हूँ कदमी गचर पटुकाटा है फुलपाई पटुका उधार पाई थाए तेणु ये पटुकार जो फुलमाटी गुंथा ही था जा भगवान को मुंडे रे लगी था तेणु से कहे फुलपाई पटुका उधार पाई थाए पटुकार केते भाग्य जाए ठाकुर गलार लगी थाए कारण फुलमाळारे रही ताहा देवतांकर मथारे बसिबार योग्यता लाभ करे ए जो फुलटा ए जो कदळी पटुकारी गुंथ हला सेटा जाय कि कोण करे देवतांकर मथारे तांकर मथारे लागे तेणु से कहुची फुलमाळारे रही ताहा देवतांकर मथारे बसिबार से योग्यता लाभ करे अति साधारण पदार्थ हेले मध्य फुलर संसर्ग पाई पटुका समस्त मथारे बसिबार सुजोग पाइथाय सामान्य गोटे पटुका हेले मध्य से फुल माध्यम रे जाई समस्त मथारे बसिबार सुजोग पाई थाए तेणु से यही पदटा से कवि कहते मोह जोगु पट जाए निस्तरी कीट बसे पुणी सिरे सबुरी तेणु तार ये पटुकार भाग्य जो मान फूल माध्यम रे पटुका जाए से कौन करे पटुका समस्त मथारे बसिबार सुजोग पाई थाए एपरिक फुलरे आउ पुणी कौन कहते कीट बसे पुणी सिरे सबुरी कीट से पुणी एपरिक फुलरे लुचि रही कीट समस्त मथारे बसवार सुजोग पाए है फुलरे तुम बेले बेले देखी पे फुलरे मानने कीट सब टिक टिक पोक मैंने था देख ये गोटे प्रकार यहाँ तो हूँ मधुमक्खिका बस एमती अनेक टिक टिक कीट अच्छा जोटा कि से कहते कीट समस्त मथारे बसवार सुजोग पाए एपरिक फुलरे जो फूल भितर जो पोक लुचि रही था सही फुलमा आम गुंथी दे फुलमा भितर से फुलटा लुचि पोकटा लुचि रही जाए तेणु से कहे कि एपरिक फुलरे लुचि रही कीट समस्त मथारे बसवार सुजोग पाए है तेणु तुम्हें पाने तो जान सामान्य फुलटे ये पदर कौन जान लगवान सृष्टि केते सुंदर एठारे केते सबू एठारे परिपूर्ण होता केते क्षुद्र उपादान मध्य फुलर महत्व विशेष अधिक रूप गुणर अधिकारी होइथिबारु यह मनुष्य आरंभ कर देवता फुल प्रिय होता तार श्रेष्ठत्व जो रही सहित मिशुवा कीट पट उच्च आसन पाती तेणु फुल मध्यम कीट आउ पट से भी जाकि देवता मथारे चढ़ी था तेणु भगवान सृष्टि केते सुंदर फूल तार रूप गुणर गुण से समस्त मन मोहि नहीं था तेणु आम पूरा कविताटा तो मुझे तुमको प्रत्येक पद को बुझेदेली एवं जो कष्ट शब्दर अर्थ बुझेला बेले कहली एवं मुझे तले लिखिदेई पे तुम समस्ते खातार लिखि नब मुझे पढ़ी दूँ देख ये नूतन शब्द ये नूतन शब्द हूँ बास बास अर्थ रहिबा स्थान कूल तट पासे निकटरे स्तबीर वृद्ध गला बेक बणा बाट भूली कांति सौंदर्य मोह मोर निस्तरी उद्धार पाई रक्षा उद्धार पार कंदर गुंफा है उद्धार पाई बासे महकी उठे जुबा होची जुबक दली होची मक्कचिबा
एपटे आउ केतक शब्द लिखी मु सकल होउची समस्ते विधि रे होउची नियम रे पट होउची ए जो कदळी पटुकार जोटा सुखिला तंतु जोटा को मु तुमको देखेली पिला माने जोतरे माळ गुंथा आइतिला फुलमाळ सेटा सुता नथिला सेटा कदळी पटुकार गोटे सुखिला तंतु थिला सुडळ होउची अति सुंदर अधीर होउची चंचल पयरे होउची पादरे आदरंती आदरी नियंती शिर होउची मुंड हुड़ा होची पोखरी और बिल चारिपाखे माटी बंध पे तुम देखी थो तुम जब बिल थे कि पोखरी हुड़ा देखीच पोखरी हुड़ा जो माटी बंध थाए कौन कहते हुड़ा कि दीटा बिल मझीरे जो मझीरे गोटे माटी बंध थाए हुड़ा कहते तेणु से हुड़े भी बेले बेले से कहते पोखरी हुड़ा भी फुल फुटी थाए तेणु हुड़ा लिखाई कुंज मुझे फुल बगिचारे जो लतालिया फुल गच को कुड़िया भाई सजा जा स्थान जो लतालिया फुल गच सब थाए ताकू सब फूल गच को कुड़िया भाई जब आम सजे स्थान को आम कौन कही था कुंज बोली कही था तुम समस्ते नूतन शब्दर अर्थ गुड़िक सब खातें लिखि नब ए चल आम तुम अभ्यास प्रश्न उत्तर आलोचना करवा अभ्यास प्रश्न उत्तर एक नंबर क अच्छी क्यों सब स्थान में फूल फुटी बासे आम कौन लिखा वन उपवन जल स्थल पर्वतरे गच्छलतारे फूल फुटी बासी थाए वन उपवन जल स्थल पर्वत आउ गच्छलतारे फूल फुटिकी बासी थाए फूल को आम क्यों सब काम व्यवहार करूँ फूल को नहीं देवता पूजा करूँ प्रिय लोक उपहार दे फूल को नहीं घर सजाई था तुम सब घर भी बेले बेले आम सब सजाई था फूल प्रिय लोक सब उपहार भी आम दे फूल बास्न परेश सुगंधित कराऊ एपरिक गलार पकाऊ और मुंडे मुंडे लगे था तेणु फूल को आम यू काम व्यवहार करूँ फूल जो आउ किए सब उपकार पाई फूलपाई भ्रमर दल आ पशुपक्षी मान उपकार फूल जो जोगी माने फूल को क्यों दृष्टि देखती फूल को जोगी माने शांतिर प्रतीक भाव देखी थांती ता मध्ये मध्ये देवतांकर से माने सत्ता को से माने अनुभव करती से माने भापंती जे फूल भितर जेमिति भगवान लुचि रही छंती हैला फूल द्वारा आकृष्ट होती बालक युवक वृद्ध भ्रमर और पशुपक्षी समस्ते फूल द्वारा आकृष्ट होती तेरे पिलामने एटा द्वितीय नंबर अच्छे पादर खाली अंश पूरण करिबा तुम गीत टी पढ़व जो खाली अंश अच्छे पूरण कर मुथाए पर्वते जल स्थल बने उपवने कूल कंदरे मोकांति देखिले बने उपवने कूल कंदरे मोकांति देखिले जोगी शांति केउ देवतार नवसे सिरे बणा होई आसे भर मुथाए कुंजरे मंदिर पासे तीन नंबर को आसवा तीन नंबर देखिए तले गार दे जा शब्दी जो अर्थर व्यवहार कराखबंधनी दि जा ठीक अर्थ बुझाऊ शब्द चारिपटे गोल बुलाइवा है पे मोबास गचरे लटा उदारे ये बास अर्थ कौन देती रही स्थान ना बास्ना मुझे बासर तीन टा अर्थ हो गोटे बास्ना गोटे रही स्थान गोटे पोशाक आम पिंधि पोशाक भी बास कहती कितु ये बासर अर्थ दीटारू आम कह बास्ना अर्थ को बुझाऊ मोबास चौदिगे जाए चहटी एटी बास अर्थ एटा कौन रहा मोबास चौदिगे ये रहा मोबास गचरे लटा बुदारे ये बास्ना नुहे बास अर्थ रही स्थान मानने फुलर रही स्थान कौटी लटा बुदारे एटी है रही स्थान खटा अच्छी मोबास चौदिगे जाए चहटी एटी बास्ना ये कौन तार जो बास्ना चारिदिग को चहटी जाए फूल कौच तार बास्ना चारिदिग को चहटी जाए ये वस्त्र नुहे तीन टा अर्थ ये देख गोटे वस्त्र होगा वस्त्र गोटे बास्ना गोटे रही स्थान ग अच्छी पतर उपरे दिशे सुढ़ल कौच गटक अच्छी कौन पतर उपरे दिशे सुढ़ल तेणु पतर टी गछर पत्र गछर पत्र उपरे फूलटी कौन देखे सुंदर देखा जाए थुअंती नदी केही पयरे घटा अच्छी थुअंती नदी केही पयरे अर्थ कौन पादरे मु तुमको कहीली पयर अर्थ पादरे ऊँची के देवतार नवसे सिरे सी हूँ मस्तक गोटे प्रसिद्ध मानने सिरे
କେଉଁ ଦେବତାର ନାପ ସେ ମସ୍ତକରେ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିଲେ ମସ୍ତକରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ିଥାଏ କେଉଁ ଦେବତାର ଏମିତି କିଛି ଫୁଲ ଅଛି କି ଯେଉଁଟା କି କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ନ ଚଢ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଫୁଲ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ଶିର ମାନେ ମସ୍ତକ ହେଲା। ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ପର୍ବତକୁ କବିତାରେ ପରବତ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଯେମିତି ସେଥିରେ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୀତକୁ କହିଥିଲି ସେଇଟା ପଦ୍ୟରୂପ ଆଉ ଗଦ୍ୟରୂପ, ଏଠି ସେମିତି କହିଛି କବିତାରେ ପର୍ବତକୁ ପରବତ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ପଦ୍ୟରୂପ ଲେଖିବା। ନିର୍ମଳ, ନିର୍ମଳଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, ଆମେ ଲେଖିବା ନିରିମଳ। ଚଉଦିଗେ, ଚଉଦିଗେ ପତ୍ର, ପତର। ପିଲାମାନେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରଟା ଅଛି ସରଳାର୍ଥ ମୋହ ଯୋଗୁ ପଟ ଯାଏ ନିସ୍ତରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶେଷରେ କହିଦେବି ସେଇଟା। ଏବେ ଛଅ ନମ୍ବରକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଛଅ ନମ୍ବର ଅଛି ଫୁଲକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଛ କି କଷ୍ଟ ସହିଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ ଫୁଲକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଛ ବହୁ କାଳ ଧରି ମାନେ ସାଧନା କରିଛି, ସେ ମାଟିରୁ ତା'ର ଖତ ସାର ଆଣି ନିଜର ତାଳପତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଓ ଉନ୍ନତ କରିଛି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସହି ନିଜର ଦେହରେ ସେ ଫୁଲକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି, ତେଣୁ ଫୁଲକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଛ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛି ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବ। ପବନ କେତେବେଳେ ମହକିଥାଏ, ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ଚଉଦିଗ ମହକି ଉଠେ, ସେହି ସୁମଧୁର ମହକକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପବନ ମଧ୍ୟ ମହକି ଉଠେ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ଚାରିଦିଗ ମହକି ଉଠେ, ତେଣୁ ସେହି ସୁମଧୁର ମହକ ସେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପବନ ମଧ୍ୟ ବାସେ। ଗ ଅଛି ଭଅଁର ବଣା ହୋଇ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସେ କାହିଁକି, ଲେଖିଛ ପବନରେ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଯେତେବେଳେ ଚଉଦିଗକୁ ମହକି ଯାଏ ସେହି ମଧୁର ମହକର ପରଶ ପାଇ ଭଅଁର କ'ଣ କରେ, ତା'ର ବଣା ହୋଇକି ସେ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସେ। ସେ ମଧୁର ମହକର ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ନା ତା ସେ ଜାଣେ ସେତେବେଳେ ବଣା ହୋଇକି ଫୁଲ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସେ। ତେଣୁ ଗ ଗଲା ଘ, ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆଉ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆଉ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ପଟୁକା ଓ କୀଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମୁଁ କଦଳୀ ପଟୁକା ତୁମକୁ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ କୀଟ ଦେଖିଲ ଫୁଲ ଉପରେ ଯେମିତି ଭଅଁର ସେମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଟିକ ଟିକ ପୋକ ବସିଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିଛ, କୀଟ ସବୁ ବସିଥାଏ, ତ ପ୍ରଜାପତି ବି ବସିଥାଏ ଫୁଲ ଉପରେ ତୁମେ ଦେଖିଛ, ତେଣୁ ସେଇଆ କହୁଛି ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ପଟୁକା ଓ କୀଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଫୁଲ ଉପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପ୍ରଜାପତି ବସନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖିବ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି ସବୁ, ଆଉ ଅଲଗା ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର କୀଟ ବସନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କର ମଥାରେ ବସିପାରନ୍ତି ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତୁମେ ଲେଖିବ ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ପଟୁକା ଆଉ କୀଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କର ମଥାରେ ବସିପାରନ୍ତି, ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କର ମଥାରେ ବସିପାରନ୍ତି। ସେ ଯୋଗୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ଛୋଟ ଫୁଲଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ସମାଜର କି ଉପକାର କରିଥାନ୍ତ, ଲେଖିବ ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଛୋଟ ଫୁଲଟିଏ ହୋଇଥିଲେ, ତୁମେ ଲେଖିବ ତୁମ ମଧୁର ମହକ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୋର ଗୁଣର ମହକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ଜନସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଲେଖିବ ଛୋଟ ଫୁଲ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ମୋର ମଧୁର ମହକ ଦେଇ ଜନମନ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୋର ଗୁଣର ମହକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ଜନସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେ କହିଛି ତୁମେ ଯଦି ଛୋଟ ଫୁଲଟି ହେବ କ'ଣ ହେବ। ସାତ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ, କହିଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳେଇବା, କ'ଣ ଦେବା ଲଟା ବୁଦା, ଶାଗ ଶିଉଳି, ଜଳ ସ୍ଥଳ, ବନ ଉପବନ, ଖରା ସଞ୍ଜ ସକାଳ, ଖରା ବର୍ଷା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ଆମେ ସାତ ନମ୍ବରଟା ସବୁ କଷ୍ଟମର ସହିତ କଷ୍ଟମର ଲେଖିଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହିଛି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବା ତାକୁ ପୁଣି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଲଟା ସହିତ କଷ୍ଟମର ଲଟା, ଖଷ୍ଟମର ଲଟା ବୁଦା, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପଶୁମାନେ ଲଟା ବୁଦାରେ ରହନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଗାରଟା ଦେଇଛି ଏପଟକୁ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ ପଶୁମାନେ ଲଟା ବୁଦାରେ ରହନ୍ତି। ତାପରେ ଶାଗ ଶିଉଳି, ଶାଗ ଶିଉଳି, ଶାଗ ଶିଉଳି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେବା ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଦେବା, ଶାଗ ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ବଗିଚାଟି ପୂରିଛି। ତାପରେ ଜଳସ୍ଥଳ, ଆଜିର ମଣିଷ ଜଳସ୍ଥଳକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଛି, କିମ୍ବା ତୁମେ ଲେଖିବ ଜଳସ୍ଥଳରେ ବି ଜଳରେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟେ ସ୍ଥଳରେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ, କାରଣ ତୁମେ ଦେଖିଛ ଜଳରେ ପଦ୍ମ କଇଁ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଯେଉଁଟାକି ଜଳରେ ଫୁଟିଥାଏ କୋଚି। ତାପରେ ଲେଖିବ ବନ ଉପବନ, ବନ ଉପବନରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତାପରେ ସଞ୍ଜ ସକାଳ, ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର,
खरा वर्षा कृषक खरा वर्षा को खातिरी करे नाही। पशुपक्षी यही बणरे बहुत पशुपक्षी अच्छा तेणु आम कस्तम को खस्तम जोड़े तापर तक कौन कले ये वाक्य गठन करके लिखिले तापर पाने कही शरणार्थी बुझेदेवी एवं चल आम शरणार्थी केमी लिखा तुम आगुरी मुझे तुमको कहीदेगी शरणार्थ केमी लिखा एवं मुझे शरणार्थी लिखिदेगी देख शरणार्थ मोह जो आम कौन अच्छे शरणार्थी मोह जोगु पट जाए निस्तटी से कही पदटर अर्थ निज भाषा लिखा ये पाने शरणार्थ हिसाब से लिखा आम मोह गोटे शब्द लिखले प्रथम शब्द तापर लास्ट शब्द टी लिखले निस्तरी उक्त पद्यांशी साहित्य कुसुम पुस्तक फूल कवित आसी पद्यांश कारण पद्यू आूल कवित प्रसंगे कवि पंडित मृत्युंजय रथ यवि किए पंडित मृत्युंजय रथ से आम तार भावधारा टी लिखा से कौन कर फुलर महत्व वर्णना करें लिखले कौन मृत्युंजय रथ फुलर महत्व वर्णना करेणु फुल समस्त प्रिय यह निजर सुवासरे से समस्त आम तर अर्थटी को तले लिखा तलू खसी आस गोटे पाराग्राफ करवा फुल समस्त प्रिय यह निजर सुवासरे समस्त मन और प्राण को मोहिनी फुलर कांति देखी जोगी माने शांति पाती माने फुलर सौंदर्य देखिक तब आम लिखले फुल समस्त प्रिय यह निजर सुवासरे माने बासन समस्त मन और प्राण को मोहिनी फुलर कांति देखी जोगी माने शांति पाती एवं ता देहरे करते देवता को देखिपारती फुल भितर से माने देवता को देखिपारती पूजा कार्य फुल विशेष प्रयोजन हुए तुम आम पूजा कार्य आम फूल को आग आनी था फूल सबुति आम दरकार हुए से देवता मस्तक लगी हुए तेणु प्रथम देवता मुंडे चढ़े फूल जो पट देवता लगी हुई उद्धार पाई तेणु सी कौन कही प्रथम से जो ये लिखले कौन लिखे मोह जो पट जाए निस्तरी पट बोले से कदमी पटुका पे तुमको जो देखी से जो फूल माला गुंथा होती तेणु फूल जो पट देवता लगी हुई कि उद्धार पाई तले लिखले कौन प्रसंगटी शिक्षामूलक तेणु पाने आम तो सब प्रश्न उत्तर मुझे बुझेदेली एवं आम कौन करवा तुमपाई कम तुमपाई कम हो तुम समस्ते तुम बही जो अच्छे घर बस कि पूरण कर एच डब्ल्यू खात तुम्हें समस्त प्रश्नर उत्तर लिखी देव तो आज कालांश एति भावी तुमको समस्त कविताटी बुझी तुम्हें ताको घरे बारंबार पढ़िकी गीतटी को पूरा मन रखिबो पुणी आम परवर्ती कालांश देखा हेबा।